कृष्णा, कैसे हो आप सब? और टाइम हो रहा है अभी 11 बज रहे हैं और ये कपड़े कल धोए थे, अभी सूख रहे हैं, इसको निकालना है। पहले तो ऊपर रूम साफ कराना है, फिर कोमल आएगी, 11:30 बजे आती है, तो पहले ऊपर सब साफ कराना है, रूम पलंग वलंग पूरा बिखरा पड़ा है, कबर्ड साफ करा के पूरे कपड़े रखने हैं अंदर अच्छे से, उसके बाद ही हटा दूँगी, नहीं तो पूरा कचरा हो जाएगा ऊपर। ये देखो रोजी, ओह जेनी, टफी सो रहा है वहाँ पे, एलेक्स पानी पी रहा है, छोड़ो, नो 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 नो, एलेक्स टफी छोड़े, रोजी छोड़ो, ये देखो तो टफी, आग ठीक हो गई तेरी, हटो उधर, हटे, ये टफी के आँख में कुछ लगा है शायद, इसका नाखून ही शायद इसको लगा है, बहुत मस्ती करते रहते हैं तीनों, देखो कोई नहीं है, इनको शांति नहीं है सही में, चलो अंदर चलो टफी, और ये तीन येलो फूल कितने अच्छे आए हैं, वाओ। पहले कोमल है तो उससे ऊपर कपड़े अपने वो लपेटेगी पूरे अच्छे से, मैं भी खड़ी रहूँगी उसके साथ, क्योंकि वो कबर्ड भी साफ़ करना है पानी से, फिनेल कह रही हूँ, सर्फ के पानी से पूरा साफ़ करना है, उसके बाद पूरे कपड़े जो चाहिए वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे, तो पूरा साफ़ करना है अभी, और जो प्रेस के कपड़े वो निकाल देने हैं, प्रेस में देने हैं मतलब, तो वो काम आ थोड़ा करना है, और भी थोड़ा बहुत काम कराना है, पंखे अभी नहीं कराऊंगी, पंखे तो बाद में कराऊंगी, जो ये पोर्शन है ये भी बाद में करा दूंगी, पहले ऊपर रूम का हो जाए, इसीलिए तो कोमल है तो फिर करते हैं काम, वो भी क्या जयश्री भी जल्दी आती है, जो खुल के बनाती है ना, वो भी थोड़ा जल्दी आती है, क्योंकि उसकी दूसरी जगह सफाई चालू है, तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी आती है, बना के जाती है, तो एक साथ दो दो जने होते हैं। क्या हुआ, क्या है, एलेक्स ऐसे ही लड़ो बैठ के, नो तू आंखें साफ करे, हैं, मस्ती चालू पागल की, देखो कैसे क्या स्टाइल है, एलेक्सी क्या स्टाइल है, रोजी जल कुकड़ियाँ दोनों, कमल भी आ गई ऊपर कपड़े साफ, अच्छा दूसरी भी आ गई बाथरूम साफ करने के लिए आई है, आज से लगा है इसको भी, तो बाथरूम भी क्लीन करने आई है, तीन बाथरूम है, तीनों बाथरूम क्लीन करेगी, अभी इनको पहले मैं बंद करूँ, you
अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही नहा कर आई हूँ, क्योंकि ऊपर पूरा कबर्ड दे दिया हमने जो ऊपर रखा था ना, तो वो हमें एक्चुअल में सेल ही करना था, देना था, तो वो दे दिया हमने। और अभी कपड़े पूरे सेट करने हैं, जो नहीं चाहिए वो निकाल दिए हैं थोड़े अलग से, अभी तो बहुत काम बाकी है ऊपर, अभी थोड़ा रात को करेंगे, अभी मैं भी थक गई हूँ। और दोपहर को मैंने खाना बनाया था, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू और रोटी, और रोटी तो वो बना के गई थी। हे दिवाली की सफाई में हालत ख़राब हो जाती है सही में। चलिए घर तो साफ़ हो जाता है, सामान इतना होता है, लेते जाते हैं रखते जाते हैं, फिर बाद में पता पड़ता है हमें। और फूल कितने अच्छे लग रहे हैं नहीं, सामान लेते जाते हैं दिवाली के टाइम पे, पर जब सफाई निकलती है ना बाद में पता पड़ता है। और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, अभी 6 बजे और अंधेरा लग रहा है बाहर। बैठे लैक्स उधर, और अभी खाना बनाना है, देखूँ क्या बनाऊँ। कल पनीर तो लिया था, तो देखती हूँ मटर पनीर या कुछ बना लूँगी, है ना टैटी। और अभी जयश्री भी आएगी फुलके बनाने, जयश्री भी आ जाएगी भी फुलके बनाने। कैसे बैठे हैं दिखाती हूँ, देखिए टैटी और कल ने परसों, 2 दिन पहले हम शायद गए थे सोफे देखने गए थे, हमारे तैयार हो गए सोफे, इतने अच्छे लग रहे थे सही में। मतलब कितना टाइम हो गया, 4 महीने हो गए हैं, 3 महीने सोफे उधर ही रखे हैं, इनकी वजह से नहीं लेकर आ रहे हैं, इनकी वजह से सोफे एकदम मस्त लग रहे हैं, तैयार हैं सोफे। वो भैया कह रहे थे लेके जाओ, फिर उसको हो भैया को हमने फ़ोटो दिखाया, देखो क्या हाल करके रखा है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, दिखाती हूँ आपको। ये भी तुझे नहीं दिखा रही हूँ मैं, पूरा ख़राब कर दिए। तो सोफे गए थे ना, इतना खुश हो गया, मन खुश गए हमारे सोफे, इच्छा तो हो रही थी लेके जाएं, बोल दें दे दो, पर इनकी वजह से, शैतानों की वजह से डर लगता है फिर ख़राब कर देंगे नहीं तो। एक्चुअल में ये सीटी अंदर रूम में होती है, नीचे वाले रूम में होती है, और सोफे यहाँ पे होते हैं, और इनकी वजह से अभी लेकर नहीं आ रहे हैं। सोफे तो तैयार हैं, अच्छे लग रहे हैं। और कार भी हमारी नहीं आई है, तैयार नहीं हुई है, अभी कुछ काम बाकी है, तो शायद कल देगा, कल आ जाएगी, कल शाम तक दे देगा कार। कार भी नहीं है अभी तो, है ना रोजी, कार नहीं है, गई कार। कितना ध्यान से सुनती है ये रोजी। चलो अच्छा, एक बार काम हो जाए कार का तो टेंशन नहीं है। और अभी खाना बनाना है, खाने में देखें क्या बनाना है। पनीर पड़ा है, मटर पनीर, अब बोला तो सही मैंने शायद पहले, हाँ बोल रहा था मटर पनीर या कुछ बना, देखते हैं। थक जाते हैं यार काम कर करके घर का, इतना तो मैं खैर नहीं करती हूँ, वो काम वाली करती है, पर तो भी खड़े रहना पड़ता है, बताना पड़ता है। फिर आज सब तीनों एक साथ आ गई, इधर जयश्री भी आ गई फुलके बनानी, इधर ऊपर कोमल काम कर रही थी, कपड़े सब लपेट रही थी, फोल्ड कर रही थी, और नीचे वो बाथरूम साफ़ करने वाली आ गई, उसको भी आज से ही रखा है मैंने, तो तीनों बाथरूम डेली आके साफ करके, मतलब करके जाएगी। अभी और भी काम बाकी है, वो कबर्ड सेल कर दिया इसीलिए, क्योंकि जितना सामान होता है ना घर में उतना होता है, भाई ये लें वो लें, ऐसे ठूसते जाते हैं पूरा रूम, इतना फालतू सामान कचरा निकला है ना, मतलब दे दूंगी बाहर, इतना नहीं चाहिए। और जो नई नई साड़ियाँ वाड़ियाँ रखी हुई हैं, कुछ ठिकाने ही नहीं कहाँ पर हैं कपड़े, तो अभी पूरा वो सेट करना है, रात को देखते हैं बैठ के कर देंगे, उसके बाद फिर हमारा रूम पकड़ेंगे, पूरा पलंग वलंग हटा के पूरा अच्छे से पानी से साफ करना है। चलिए मैं खाने की तैयारी करूँ, बाद में मिलती हूँ, बाय। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाने की तैयारी, मटर पनीर बना रही हूँ, इसके लिए मैंने प्याज लिए, प्याज काट रही हूँ, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा लहसुन रखता हूँ, तो चलिए पहले काट लेते हैं।
आज का हमारा खाना मटर पनीर की सब्ज़ी और थोड़ी मैंने चावल बनाए और फुलके। खा के बताओ कैसे, मतलब कैसा है खाना? खुशी कैसे? टेढ़ी करके देख रही है। अच्छा है। ऐसे ही चिकू बताएगा। चिकू सही में हमारा खाना वाना हो गया। अभी टेढ़ी देखो कैसे दिख रहा है। ये देखो टेडी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? और हमारा खाना वाना हो गया, सब सो रहे हैं। अभी इनका भी खाना हो गया शायद, नहीं हुआ है? हाँ, इनका पिल्लुओं का भी हो गया, सबका खाना हो गया। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, बाय।